नमस्कार साथियों, आज यूपी लेखपाल रिजल्ट के बारे में कुछ चर्चा होने वाली है। लिख देते हैं यहाँ पर, ये लेखपाल का रिजल्ट कब आएगा, कब जारी होगा, क्या संभावना है, क्या डेट आ गई है, क्या डेट आने वाली है, विभाग में क्या चल रहा है, सारी जानकारियों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ फैक्ट को भी समझेंगे, कुछ तार्किक रीजन्स को समझेंगे कि कैसे रिजल्ट आने की क्या संभावना है। आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपके पास कोई आइडिया है या फिर आपको लगता है कुछ रिजल्ट आने की संभावना है तो आप भी हमें बताइएगा। यहाँ देखिए कुछ चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे कि लेखपाल की वैकेंसी कितना है। 8085 पद ये भरे जाएंगे लेखपाल वैकेंसी में। लगभग 2.7 लाख लड़कों ने लेखपाल मेंस के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 2.12 लाख लड़कों ने लेखपाल एग्ज़ाम को अपीयर किया, मतलब अटेम्प्ट किया। ये लोग इतने एग्ज़ाम में भर्ती हुए, जाके एग्ज़ाम दिए, 2,12,000। अब इनमें से 8,85,000 बच्चों को चुना जाना है। थोड़ा इसको आगे बढ़ने से पहले चलते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में देखते हैं जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, अभी ये पेट एग्ज़ाम जो 2021 हुआ था, हालांकि 2022 भी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन पेट एग्ज़ाम 2021 के बारे में बात करते हैं। तो ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया गया था अगस्त 2021 को, डेट भी दे देते हैं, 24 अगस्त 2021 को ऑर्गेनाइज कराया गया। इसकी जो फाइनल आंसर की आई, फाइनल आंसर की फ्रेंड्स अक्टूबर 5, 2021 में आई, कि 5 अक्टूबर 2021 को उसको फाइनल आंसर की जारी की गई है। थोड़ी सी अपडेट यहाँ भी दे देते हैं। ये वीडियो आज हम बना क्यों रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगस्त 7, 2022 यहाँ पर क्या था कि यहाँ तक ये आंसर की या फिर जो क्वेश्चन आए हुए थे इन पर चैलेंज करने की बात की गई थी, कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में आप क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं। अपनी उस पर UP SSC की वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। तो 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त हो गया है, तो ऑब्जेक्शन की तारीख खत्म हो चुकी है। बहुत बच्चों ने ऑब्जेक्शन कराया भी, कुछ क्वेश्चन हैं 4, 6, 10 क्वेश्चन जिन पर ऑब्जेक्शन किया गया है। उम्मीद करते हैं कुछ क्वेश्चन गलत भी रहे होंगे जिनमें आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर क्वेश्चन कटते हैं कुछ भी होता है तो सबको फ़ायदा मिलेगा। ये आप हमेशा नोट करके चलिए कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, या फिर जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर फ़ायदा मिलेगा, चाहे आप अटेम्प्ट करें चाहे न करें। अगर वो क्वेश्चन गलत है तो उतने ही क्वेश्चन कट जाएंगे, फिर उसके नीचे से मार्किंग स्टार्ट होगी, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर भी बनाए जाते हैं आजकल। तो ये था फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम कराया गया था और आज 8 अगस्त है। लगभग ये पेट का एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है ये 1 साल कम्प्लीट हो चुका है। इतना तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है UPSC, उसका भी एग्ज़ाम साइकिल इतने के अंदर ख़त्म हो जाता है या लगभग ख़त्म होने कगार पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि UPSC का तो 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, उसके प्रीलिम्स होने से पहले उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ दोबारा पेट का एग्ज़ाम, पेट का प्रीलिम्स होने वाला है, लेकिन इसके एग्ज़ाम की कोई अभी, इसके रिजल्ट की कोई अभी संभावना नहीं है। अब संभावना के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, कब तक रिजल्ट आ सकता है। यहाँ देखिए अभी अगस्त चल रहा है, अभी इनकी फाइनल आंसर की आने में संभव है कि 1 मंथ का टाइम लग जाए, 1 मंथ के बाद इनकी फाइनल आंसर की आए, या फिर बहुत ज़्यादा अगर एक्टिवेट रहते हैं तो 20 से 25 दिन के बीच में इनकी आंसर की आने की संभावना है। और तब तक आ चुका रहेगा आपके पास सितंबर का महीना। सितंबर के बाद इनको कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए इनको रिजल्ट को प्रिपेयर करने में, आंसर की इसको चेक करने में। तो फ्रेंड्स जब इनके आंसर की इसको चेक करने का मैटर आएगा तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इतना तो आराम से जा सकता है इनको रिजल्ट प्रिपेयर करने में। रही बात जनवरी फरवरी, तो ये जनवरी के बाद ही रिजल्ट जारी होने की संभावना है, दिसंबर या दिसंबर जनवरी, लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि रिजल्ट आएगा मार्च में। अब मार्च में रिजल्ट क्यों आएगा, इसके कई सारे रीजंस हैं। अभी UPSC के इंटरव्यू ख़त्म हुए हैं, फिर UPSC का रिजल्ट बनाने का भी इनको टाइम चाहिए, UPPCS का रिजल्ट बनाने का टाइम चाहिए गवर्नमेंट को। तो बहुत सारी ऐसी इनके पास इवेंट हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसकी वजह से, और इन्होंने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया था, हमने आपको एग्ज़ाम कैलेंडर इनका दिखाया भी था कि इनके एग्ज़ाम कैलेंडर में कब क्या कैसे एग्ज़ाम है, उसको आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इनके पास टाइम रहेगा रिजल्ट प्रिपेयर करने में, और इनको पब्लिश करने के लिए, अब ये पब्लिश करने में कितना टाइम लेते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च का पब्लिश करेंगे, वो पब्लिश कर देंगे अपना। तो फ्रेंड्स आप दिसंबर के पहले तो रिजल्ट की ना ही मान के चलिए, हालांकि आपका टाइम इसके बीच में बर्बाद होगा, आप 6 महीने तक वेट करते रहेंगे कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या कैसे होगा, ये एक डिफ़िकल्ट है आपके लिए टाइम होगा, इसमें आप दूसरी प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि ना करें। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप पेट की जो दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, ये पेट 2022, इसमें आप ज़रूर अपीयर करें,
पेट एग्ज़ाम की आप तैयारी फिर से शुरू कर दें, हो सकता है इस बार आप बेहतर स्कोर करें। और पेट एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनमें आपका स्कोर बेहतर हो सकता है। हमने पेट की क्लासेस भी चलाई हुई है, हमने पेट के सिलेबस को समझाया हुआ है। बिगिनर्स जो हैं पेट के लिए, उनके लिए हमारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। हम ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, तो हमारे क्लास की ये वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहाँ पे ज्योग्राफी क्वेश्चन पड़े रहेंगे पेट से रिलेटेड या फिर लेखपाल से रिलेटेड। ये फ्रेंड्स ज्योग्राफी क्वेश्चन लोगों को बहुत परेशान करते हैं, मैपिंग क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, लेकिन हमने ज्योग्राफी और मैपिंग को बहुत स्मार्ट तरीके से, डिजिटल तरीके से आईपैड के थ्रू पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने ही वाला है। चलिए ये रही बात रिजल्ट की, यहाँ तक रिजल्ट आने की संभावना है और बीच के टाइम में आप क्या करेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि अभी कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है रिजल्ट आने से रिलेटेड, तो इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रिजल्ट की कट ऑफ क्या होगी, कैसे रिजल्ट बनेगा, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसको भी आप जाके देखिएगा कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर इस तरह की न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो इस तरह के अपलोड करते रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आप टेंशन में मत रहा करिए कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी या बहुत देर में रिजल्ट आएगा या फिर कुछ होगा, पॉजिटिव सोच रखा करिए कि जल्दी रिजल्ट आएगा, आप पास भी हो जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा था। क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जैसे चैलेंज किए गए हैं, अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन बदल जाते हैं, तो बहुत सारे छात्रों की भाग्य यहाँ पर बदल जाएगी। जिनके वो क्वेश्चन गलत हैं वो क्वेश्चन बाहर हो जाएंगे, सीधे मार्किंग कम हो जाएगी, उनका कट ऑफ ऊपर जाएगा और उनके पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तब तक आप डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाएं, अपने आप को फेल मारकर बिल्कुल मत चलें। आप पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ते रहें। जल्द ही ऐसे इसी वीडियो के साथ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, जय हिंद।